ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमास सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा। जी सर। हाँ जी हाँ, वो अभी हमको भी बुला रहे हैं साहब। कहाँ? थाने में। हाँ तो हम भी जा रहे हैं जी, जाके उसको बढ़िया सब लड़का भी पहुंच गया है, अभी थोड़ा हो जाए कार्यवाही से हम आपको बताते हैं। अच्छा तो पहले तो करो, हम निकल रहे हैं वो देखिए, कार्यवाही तो संवेदन से चल रही है, हम आपको बता दें। एसपी को फोन, कलेक्टर को फोन, पीआई को फोन और सब पुलिस वाले सब पहुंच गए थे। वो बच्चा बहुत डर रहा था, बोला साहब कुछ न करिए हम तो मार डालेंगे। वो हमने कहा ऐसा पागल हो तुम, क्या क्यों नहीं डरेगा सर वो बच्चा। हमने कहा तुम बिल्कुल न डरो, बिल्कुल न डरो, ऐसा थोड़ी है, हमें सब थोड़ी मतलब कहे कि अरे साहब हम लोग छोड़ देंगे हॉस्टल, ऐसा सफलवा दिखाना सुरक्षा। हमने कहा चलो, आदिवासी जानते हैं अपने छात्रावास को बदलने के लिए तक फेसबुक में मैसेज किया है, सॉरी क्षमा कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया है। जानते हैं सर क्या है, वो छात्रावास जब जमीन चिन्हित हो रही थी उसी समय लोग गलत कर दिए थे, बड़े मुश्किल से ये लोग कॉलेज वालों को भेजे थे। अब पूर्व सहायक आयुक्त लोग क्या किए क्या कैसा, वो थोड़ा दूर तो है ही, पर अभी ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो रही थी। आपको हम बता दें सर, मारपीट तो हुई है ना बच्चे के साथ? नहीं, एक पहली घटना हमको हमारे संज्ञान में आई है, पहली बार। नहीं मुझे और कोई चीजों से मतलब नहीं है। हाँ नहीं सही आप कह रहे हैं, नहीं इसमें हमको भी बड़ा वो लगा कि भाई तुम हाथ कैसे चला दिए, और तब से हम बिल्कुल पीछे पड़ गए थे। हमने कहा नहीं चलो हम एसपी को फोन लगाते हैं, कलेक्टर साहब तक को फोन लगवा दिए। ये बताइए, भाजपा के सारे कार्यकर्ता बैठ के वहाँ शराबखोरी की है, अब ये हमारे संज्ञान में वीडियो लोग नहीं लाए, मैं मांगता रह गया, वीडियो हमको नहीं मिला कहीं, नहीं तो मैं भी देखता कि भाई कौन कौन व्यक्ति है ऐसे। चलिए ठीक है, मैं अपने कार्यवाही आप पहुंचिए, मैं भी आ रहा हूं, कमी नहीं करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। हम तो बिल्कुल है ना कि हम सर, मेरा निवेदन यही है सर, कैमरा वाले को 20,000 रुपए दिया हूं अपने जेब से, हमने कहा तत्काल 300 कैमरा लगाओ। सर मेरा निवेदन यही है सर कि दोषी व्यक्ति, हाँ बिल्कुल, दोषी व्यक्ति सर बचना नहीं चाहिए सर। बिल्कुल, आप जितना सहयोग हमसे लेंगे हम बराबर सहयोग करेंगे। ठीक है सर, आप पहुंचे, मैं आ रहा हूँ सर। हाँ मैं पहुंच रहा हूँ बिल्कुल, एक एक मिनट साथ में हूँ, और हम ही मोटिवेट किए हैं, तब बच्चे तैयार हुए, नहीं कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। उधर गाड़ी है तो सब डरते थे, बोले हम साहब थाना में जाएं, इनको थाने में जाने में हमको पकड़ना पड़ा है, आपको बता दें। डरते थे, बोले ये हो जाएगा, फिर हम लोग स्टाफ को 3-4 लोग मोटिवेट किए, हमने कहा बेटा ऐसा न डरो, तुम ऐसा थोड़ी है, हम तुम्हारे साथ है, पूरा स्टाफ साथ में है, चलो चलते हैं, तुम्हारे साथ घटना हुई है, बिल्कुल 2 मिनट खड़े हो जाओ, चलो। अधीक्षक महोदय भी आ रहे हैं ना सर? हाँ वो भी आ रहे हैं ना थाने में? हाँ लड़का भी आ रहा है ना? नहीं अधीक्षक महोदय साकेत जी। हाँ अधीक्षक भी जा रहा है। जी जी सर ठीक है सर, हो गया, मिलते हैं तिवारी जी, थोड़ा सा देखिएगा। बिल्कुल है ना, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। मैं चाहता हूँ भाई दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हो। बिल्कुल सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो बराबर आते जाते रहे वहाँ। बिल्कुल, और सब साफ सुथरा हॉस्टल है, कोई दिक्कत नहीं, ना खाने पीने कोई समस्या आई। क्या अहाता बना लिया गया उसको, छात्रावास को? छात्रावास के अहाता बन गया, क्या बताएं बोलती महाराज, ठीक है सर, आप पहुंचो, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं पहुंच रहा हूँ सर, पहुंच रहा हूँ, ओके ओके।